नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रतापगढ़ के कालाकाकर राजभवन से। ये वही राजभवन है जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को विकास दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज़ादी दिलाने और आज़ादी के बाद के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे, हम मोबाइल युग के पहले की बात कर रहे हैं, जब बचपन में हुआ करते थे तो हम लोगों के दादा दादी नाना नानी और मम्मी पापा एक चीज़ तो कॉमन थी कि शाम के वक्त किस्से और कहानी सुनाया करते थे और उन किस्सों और कहानियों में एक चीज़ कॉमन रहती थी, वो कॉमन हुआ करता था राजा और रानी। उनके प्रसंग अलग अलग हो सकते हैं, उनकी वीरता के प्रसंग, उनके रहन सहन के प्रसंग, उनके शिक्षा दीक्षा के प्रसंग, ये सब प्रसंग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहानियाँ राजा रानी कॉमन हुआ करते थे। लेकिन आज हम आपको उन कहानियों के बारे में जो राजा रानी हुआ करते थे, जो रियल में हुआ करते थे, उनके बारे में जिक्र करेंगे और उनसे मिलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा इस कालाकाकर राजभवन के राजकुमारी रत्ना सिंह जी का, बहुत बहुत स्वागत है, और युवराज भवन्नी जी का। तो सबसे पहले आपने समय निकाला राजकुमारी जी दिशा टीवी के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, कालाकाकर राजभवन के बारे में ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है राजभवन, फिर भी हम चाहेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो लोग नए पीढ़ी के लोग हैं, उनको इस कालाकाकर राजभवन के बारे में बताएं, जो कि राजा हनुमत सिंह से लेकर के आज आप तक, उन सभी का हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हनुमत सिंह जी से शुरू करना चाहूँगा कि वहाँ से आप अपने इस इतिहास को बताएं। 1835 के करीब मेरे पूर्वज राजा हनुमत सिंह अपने रियासत के इस छोर पे गंगा के किनारे आए और यहाँ पे एक काला टीला था। उन्होंने इस काला टीला को देखा और इस काला टीला में उनको बहुत रमणीक स्थान दिखा और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पे एक भव्य राजमहल बनाऊंगा और इस भव्य राजमहल में गंगा के किनारे होने के कारण सब तरह से उनको सुकून मिलेगा। और कौन नहीं चाहता कि गंगा के किनारे माँ के पैर को सवेरे सवेरे दर्शन करें, स्नान करें। तो उन्होंने ये स्थान चुना और धीरे धीरे ये किला बना। ये बहुत पुराने तरीके से बना है, यहाँ 5 फीट मोटी दीवारें हैं और मेरे पूर्वज राजा हनुमत सिंह बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने अभी भी 3 फाउंडेशन स्टोन्स जो ब्रिज की तरह बनती हैं, जो यहाँ छोड़ी हुई हैं कि हम लोग इसका यहाँ पे और निर्माण कर सकें। अगर अब बात करें लाल प्रताप, राजा लाल प्रताप सिंह जी, जो कि चांदा के युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे, राजा हनुमत सिंह के पुत्र थे लाल प्रताप सिंह। और जब 1857 का गदर कहिए या पहली लड़ाई स्वतंत्रता की कहिए, इसके कई कई नाम हैं, तो इस पहली लड़ाई स्वतंत्रता की इन्होंने अपने पुत्र को भेजा। यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर चांदा, जो सुल्तानपुर ज़िले का में है, वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेरे पूर्वज राजा लाल प्रताप सिंह का सर अलग किया गया और उसको अंग्रेज लखनऊ तक ले गए। पर हमारे राजा हनुमत सिंह बहुत उदार दिल के थे। उसी समय के करीब 1-2 महीने आसपास उन लोगों ने, अंग्रेजों का एक नाव यहीं गंगा के पास जा रहा था, उसमें कानपुर से वृद्ध
पुरुष और महिलाएं और बच्चे थे। यही हमारे घाट पे वो कैप्साइज करने लगा, डूबने लगा। तो जब वो नाव डूबने लगा तो हमारे राजा हनुमत सिंह ने देखा और उन लोगों को सुरक्षित घाट में लाए, खाना पीना खिलाए पिलाए और यहाँ से इलाहाबाद और कलकत्ता तक सुरक्षित भेजा। तो इस समय पे जब उन्होंने ये कार्य किया, अंग्रेज ने कहा एक तरफ हमने आपके बेटे को आपने अपने बेटे का बलिदान दिया और वही परिवार, अंग्रेज परिवार को आपने यहाँ बचाया, आप ट्रूली एक बहुत महान राजा हैं, तो हम आपको आपका राज्य वापिस करते हैं। और हम ही जो अवध के 7-8 राज्य थे जिनको अंग्रेजों ने उच्च श्रेणी दी। राजा लाल प्रताप सिंह जी अवध प्रांत का अगुवाई कर रहे थे उसी जी, समय। जी 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 वो अवध प्रांत का अगुवाई कर रहे थे। और यहाँ पे चांदा के युद्ध के बाद तो फिर अंग्रेज अंदर आ ही गए थे, बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि हम वाजिद अली शाह को डीथ्रोन करके अपनी रियासत को लखनऊ पे भी ले चले। उन्होंने ही यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार की भी शुरुआत की थी। राजा लाल प्रताप सिंह के पुत्र राजा रामपाल सिंह हुए। अच्छा, रामपाल सिंह जी तो कांग्रेस के सदस्य थे, संस्थापक सदस्य। हाँ, संस्थापक सदस्य थे। तो राजा लाल प्रताप सिंह तो जब ने शायद अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा था। अच्छा। वो तो शहीद हो गए थे। तो राजा हनुमत सिंह ने अपने पौत्र का देखभाल किया और उनको उन जमानों में इंग्लैंड भेजा रहने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। और राजा रामपाल सिंह 10 वर्ष तक इंग्लैंड रहे और वहाँ पे उन्होंने बहुत आधुनिक चीज़ें सीखी। और एक बार उन जमानों में जब आप वेस्टर्न कल्चर से वापस लौटते हैं तो आप अपने राज्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उन्होंने देखा कि भारत में कोई हिंदी का अखबार नहीं है, तो यहीं पे पास में एक प्रिंटिंग प्रेस बनवाया और उस प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने एक हिंदी डेली निकाली। पर उनको चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, तो उन्होंने हमारे बहुत ही आदरणीय मदन मोहन मालवीय को उनकी प्रेस की पहली नौकरी दी। वो 2 वर्ष तक यहाँ संपादक रहे जी, और उनको हिंदुस्तान का संपादक बना के उन्होंने यहाँ काला कांकर लेके आए। तो हमारा तो गौरव है कि हमारे हिंदुस्तान अखबार को मदन मोहन मालवीय जैसे आदरणीय पंडित जी ने चलाया। उसके बाद राजा रामपाल सिंह बहुत ही फारसाइटेड थे। उन्होंने देखा कि खेती बाड़ी के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, यहाँ जमीन बहुत ऊसर थी, ऊसर मतलब वेरी हाई पोटेशियम लेवल्स और जिस हाई पोटेशियम एंड एल्कलाइन लेवल्स। तो उन्होंने सर छोटू राम को उनकी पहली नौकरी दी। सर छोटू राम हरित क्रांति के बहुत ही बड़े नाम हैं और हरियाणा में आज हरित क्रांति है, सो सर छोटू राम के कारण है। और सर छोटू राम की पहली नौकरी हमारे राजा रामपाल सिंह ने दी थी। नौकरी की बात करें मैम, तो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं, प्रताप राणा मिश्र से मकरी जी से लेकर के चक्रवर्ती जी से लेकर के, सभी ने यहाँ पर नौकरी की है और अपनी सेवाएं दी है और यहीं पर रह करके उन्होंने अपनी जो आज विश्वविख्यात रचनाएं हैं यहीं पर रह के उन्होंने रचनाएं भी की। हमारा परिवार हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कीर्तिमान प्राप्त करने का प्रयास किया है और एक पुष्ट नहीं अनेकों पुष्टों ने, राजा हनुमान सिंह ने भी किया, तो राजा रामपाल सिंह ने और राजा रमेश सिंह और मेरे दादा राजा अवधेश सिंह ने। साहित्य के लिए तो सबकी बहुत बड़ी दिलचस्पी थी। पंत यहाँ आके 10 साल रहे और एक यहाँ पे टीला है, वहाँ 10 साल रह के उन्होंने अपनी सबसे अच्छी रचनाएं यहाँ पे लिखी हैं। और हमारे इस राजभवन को साहित्य में अजर अमर करके उन्होंने अपने
चांदनी रात में नौका विहार में हमारे राजभवन का जिक्र किया है। ये लाइंस हैं, झिलमिल करता राजमहल, वो उनकी कविता का एक हिस्सा है। नौका विहार में, नौका विहार, चांदनी रात में नौका विहार में ये लाइन उनकी बहुत बड़ी रचना है। हाँ, और इसी जगह पे नौका में बैठ के उन्होंने इस फेमस रचना को, हमारे इस राजभवन को अजर अमर किया। 1931 से लेकर के 1942 तक वो यहाँ पर रहे। ये राजा अवधेश सिंह जी के पीरियड की बात है जी। राजा अवधेश सिंह जी के पीरियड की एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही है, वो महत्वपूर्ण बात मैं राजकुमारी जी आपसे ही जानना चाहूँगा कि उस दौरान गांधी जी आए थे, मुझे लगता है कि 14 नवंबर सन 1929 के की बात है जी। वो यहाँ पर आए थे उस दिन और उन्होंने अंग्रेजों के कपड़ों की होली जलाई थी जी। सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली हमारे काला कांकर में, इस गांव में हुई। वो पहले राजा और पहले व्यक्ति थे कि सारी विदेशी वस्त्र उन्होंने त्याग दिए और खुद वो खादी का वो बनाते थे, चक्रा चलाते थे। हमारे पूर्वज राजा, मेरे दादा, मेरे पितामह राजा अवधेश सिंह, वो खुद चरखा चला के खादी का निर्माण करते थे और यहीं से खादी का निर्माण गांधी जी और उन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद मेरे दादा ने कभी विदेशी वस्त्र नहीं पहने और मेरे पिता भी बचपन भर खादी में ही पले। एक छोटा सा बच्चे थे वो, पर मेरे दादा ने उनको खाली खादी के कपड़े पहनाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आ रही है राजकुमारी जी, कि राजा अवधेश सिंह जी थे वो तो एक राजघराना था, राजतंत्र था, यहाँ की एक व्यवस्था थी उस समय। महात्मा गांधी जी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आए थे, राजघराने में आए थे। और मुझे लगता है कि वो इसीलिए आए थे कि सबसे पहले भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था जो उन्होंने गाँव के मुखिया और प्रधान जो हुआ करते थे उस समय, उनको ताकत दी कि आप लोग अपने गांव, अपने क्षेत्र के डिसीजन लेने के लिए, न्याय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सबसे प्रेरणा लेकर के गांधी जी यहाँ पर आ रहे होंगे। हमारा परिवार तो कांग्रेस से पहले से जुड़ा था जी। राजा रामपाल सिंह ने कांग्रेस की स्थापना की, राजा रमेश सिंह जो उनके बाद आए उनका भी बड़ा योगदान था। उसके बाद मेरे दादा जब गद्दी पाए तो उन्होंने बहुत करीबी से गांधी जी के साथ काम किया। और आप भी जानते कि उन जमानों में कांग्रेस को चलाने के लिए भी तो बहुत संसाधन चाहिए, तो काला कांकर परिवार ने उन संसाधनों को हर स्वतंत्रता से जुड़े हुए व्यक्ति को दिया, सहयोग किया, जो भी बड़ा सहयोग था। और गांधी जी मेरे पितामह राजा अवधेश सिंह को बहुत मानते थे, एक छोटे भाई की तरह मानते थे, तो बहुत कुछ किया। और गांधी जी तो मेरे पिता राजा दिनेश सिंह को भी अपने एक बेटे की तरह मानते थे, चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू भी मेरे पिता को अपने बेटे की तरह मानते थे। और पूरे जीवन भर, क्योंकि मेरे पितामह राजा अवधेश सिंह की डेथ खाली 29 की उम्र में हो गई थी, तो मेरे पिता को गांधी जी और नेहरू जी ने ही पाला पोसा, जिंदगी भर गाइड किया। ये उसी पीरियड की बात है राजकुमारी जी, कि जब सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ हुआ करते थे तो महादेवी वर्मा से लेकर के आपके हरिवंश राय बच्चन जी तक लोग यहाँ पर आते थे जी जी, और अपनी रचनाएं यहाँ पर लिखते थे जी। मैं जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि हम लोग हर जीवन के हर स्फीयर से जुड़े हुए थे, खेती बाड़ी हो, साहित्य हो। और साहित्य ने तो इस देश की आज़ादी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। देखिए, जो कविताएं लिखी वो साइलेंटली गांव के छोटे आदमी तक पहुंची, और उन्होंने वो साहित्य को सुन के एक उबाल आया भारत की जनता में कि हम अहिंसा के साथ
मिलके इस देश को आजादी दिलवाएं। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब ये जो अखबार हिंदुस्तान अखबार था, जब ये यहाँ से छपता था और ये कलकत्ता तक जाता था, तो लोगों के अंदर जो आजादी के लिए जो लोगों तक एक मैसेज जाता था, तभी लोग इकट्ठा हुए, लोग पढ़ करके लोग इकट्ठा हुए, तभी जा करके इस देश को आजादी दिलाने में इन सब चीजों का बड़ा योगदान रहा। अब अगर हम बात करें राजा दिनेश सिंह जी की, तो राजा दिनेश सिंह जी की मैं आपके पिताजी, लेकिन मैं बात करूंगा युवराज जी से। राजा दिनेश सिंह जी जो कि यहाँ पर पहला अंग्रेजी मैगजीन राउंड टेबल उन्होंने ही यहाँ से शुरू किया, तो उनके बारे में आपको कितनी जानकारी है युवराज जी? मेरे नाना जी तो इतने महान व्यक्ति थे, मेरे को बाद में पता चला जब मैं प्रतापगढ़ आने लगा और लोगों से मिलता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि मेरे नाना इतने महान थे और प्रतापगढ़ की बोली इतने प्यार से बोलते थे, जाने वो एक तरफ विदेश मंत्री हैं और एक तरफ गांव की बोली इतनी प्यार से बोलते हैं कि गांव के लोग भी नहीं बोल सकते थे, और वो चाहते थे कि प्रतापगढ़ को दुनिया में मशहूर किया जाए। तो उनका महत्व यही था कि प्रतापगढ़ के लोग आगे बढ़ें, प्रतापगढ़ का नॉलेज आगे तक पहुँचे। इसलिए आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ इसलिए आते हैं क्योंकि गंगा मैया है, इंस्पिरेशन है, और टैलेंटेड लोग हैं यहाँ आके, भगवान से ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और अटैच हो सकते हैं। मेरे नाना जी तो मतलब देश देश में जाके प्रतापगढ़ के बारे में उन्होंने बताया है कि विदेश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। 6 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, 4 बार मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ से ही लोकसभा सदस्य रहे हैं, 5 बार क्योंकि डिलिमिटेशन के कारण कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग थी, तो प्रतापगढ़ अलग था और जहाँ काला कांकर है ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी था, और यहाँ से उस गांधी लड़ा करते थे, उनकी डेथ के बाद मेरे फादर यहाँ के लड़े। अच्छा अच्छा, ये पार्ट ऑफ सलवन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी। इस काला कांकर का नाम पहले क्या दूसरा कुछ हुआ करता था? जब मेरे पूर्वज राजा हनुमत सिंह यहाँ आए तो इसका नाम मुहम्मदाबाद हुआ करता था, पर जब हमने इस काले टीले पे अपना राजभवन स्थापित किया तो ये गांव का नाम काला कांकर हुआ, और अब सबसे ज़्यादा काला कांकर ही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अंग्रेजों ने भी बाद में हमारा टाइटल, पहले हमारा टाइटल था राजाज ऑफ रामपुर एंड धारूपुर, और फिर हमको टाइटल दिया राजा ऑफ काला कांकर 1905 में। मतलब योगी जी आज कर रहे हैं ये, पहले से ही आप लोगों ने? हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कर दिया था, करीब 150 साल पहले कर दिया था ये चीज। राजा दिनेश सिंह जी हर किसी के बड़े करीबी माने जाते हैं, चाहे वो 5 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में सर्व किए हैं। ओ बड़ी बात जी, और सभी के साथ उनके जो संबंध थे बहुत करीब और बहुत अच्छे संबंध थे। मेरे नाना जी को इतना सबसे लगाव था और प्यार था, वो बस प्यार बांटते थे लोगों के बीच में और मोहित कर देते थे अपने प्यार से, और उनका तरीका जो था, बोलने का तरीका, व्यवहार जैसा था, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं बस उनकी थोड़ी सी धूल भी की मिट्टी भी बन जाऊँ, वही महान होगा। लोगों के करीब, यहाँ तक कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनसे सजेशन लिया करते थे, राय लिया करते थे। जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार विदेश मंत्री बने तो शपथ लेने के बाद तुरंत मेरे पिताजी के घर आए और मिल के उन्होंने कहा हम और आप मिल के इस मंत्रालय को चलाएंगे, और आप हमें हमेशा, आप इतने सालों से इस मंत्रालय से जुड़े हैं तो आपका गाइडेंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब मेरे फादर नहीं रहे तो वाजपेयी जी का बरप्पन है कि उन्होंने उनके नाम पे राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ में हमारे एनजीओ को दिया, और ये वही एनजीओ है राजकुमारी जी जिसको भी हाल में ही बेस्ट पुरस्कार मिला है जी।
1999 में जब उन्होंने हमको ये कृषि विज्ञान केंद्र दिया, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मैंने, मेरे बेटे भुवन्यू ने, और हम लोगों ने कोशिश की कि प्रतापगढ़ के और आसपास के जिलों के किसानों तक पहुँचे, नई बीजें दें, नई तकनीक उनको से उनको लैस करें, और हमें 2016 में हमें बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड मिला है भाजपा सरकार में। बड़ी बात है कि भाजपा सरकार में जो है आपको मिला। नहीं नहीं, राजकुमारी जी ने इतने मन लगा के काम किया है वहाँ पे। वहाँ बिल्कुल ऊसर जमीन थी, पर अगर आप अभी जाए ना, लगेगा कि पूरा ग्रीन। और इन्होंने अपने उनके साइंटिस्ट के साथ बैठती हैं, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग किया है, रिसर्च किया है, और ये यहाँ के किसानों को समझाया भी है और सिखाया भी है अब कि कैसे ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाया जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि इसकी मूल चीज है, अर्थव्यवस्था का एक तरीके से बहुत बड़ा साधन है जो आम व्यक्ति है। तो इस चीज़ को अगर आप कर रही हैं तो ये तो बहुत सराहनीय का कार्य है कि लोगों के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आप सहयोग कर रही हैं, मदद कर रही हैं। अगर राजकुमारी जी, अब आपका हम जिक्र करेंगे, आपको भी सेवा करने का मौका मिला इस प्रतापगढ़ के लिए, देश के लिए, तो अगर आपकी योगदान की हम बात करें तो आपका योगदान किस प्रकार से रहा है? आप भी यहाँ की लोकसभा सदस्य रही हैं, मुझे 3 बार। जी जी, मेरा प्रयास रहा है कि बहुमुखी विकास करने का। क्षेत्र में हर किस्म का विकास जब तक आप करेंगे नहीं, आप क्षेत्र को आगे उठा नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र खोला, इसलिए खोला कि मैं इस प्रतापगढ़ के हर व्यक्ति से जुड़ सकूं। 90% से ज़्यादा लोग किसान, सबके पास थोड़ी भी ज़मीन हो, वो ज़्यादा, उनको थोड़ा ज़्यादा और पैसा मिल जाए तो उनका जीवन और सुदृढ़ होगा। मेरा प्रयास रहा कि हर किस्म का विकास करें। जब मैं पहली बार MP बन के आई तो यहाँ टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी कहीं, हमको खुद जाके रायबरेली से फ़ोन करना पड़ता था, तब दिल्ली या कहीं बात कर सकते थे। तो सबसे पहले तो मैंने टावरों का जाल यहाँ बिछाया, और मेरे घर के साथ कह सकती हूँ कि 2000 के दशक में मेरे कोई ऐसा गांव नहीं था जहां तक हमने तब भी टेलीफोन नहीं ले गए थे, मोबाइल सेवा थी, क्योंकि टेलीफोन तो अब ऑब्सोलीट हो गया, जिसको अब लैंडलाइन कहते हैं वो तो ऑब्सोलीट हो गया। तो मोबाइल सेवाएं सब जगह लेके मैं गई। उसके बाद जब मैं ये 2009 और 14 के बीच में MP रही, तो मेरा प्रयास रहा कि मैं अपने प्रतापगढ़ को हर दिशा से नेशनल हाईवे से जोड़ूं, और ये भी, इसमें भी मैं काफ़ी कामयाब रही। और सबसे बड़ा योगदान था कि बैंक ले जाऊं। मैंने करीब 51 से ज़्यादा बैंक अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे ज़िले में खुलवाए, जिसे जब नोटबंदी भी आई तो मेरा ज़िला इतना नहीं प्रभावित हुआ। हर गांव वाला 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत जाके अपनी नोट बदला सका। स्कूल कॉलेज भी है? हाँ, नहीं, मैंने बहुत स्कूल्स भी खोले हैं, कॉलेजेस कई तो मुझे विरासत में मिली। हमारा पहला स्कूल 1906 में इसी गांव में स्थापित हुआ। हमारे ज़िले में 2 पहले हॉस्पिटल जो खुले, ये सब मेरे पूर्वज राजा रामपाल सिंह ने खोले। उसके बाद हमारे तो अब करीब 7-8 शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं ज़िले के कई कई कोनों में। हमारा मानना है कि जब तक बच्चा शिक्षित न हो और आज के युग में कंप्यूटर न चला सके तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कंप्यूटर चलाना आज के लिए सब के लिए मस्ट है, और लोग भूल जाते कि हमारा छोटा मोबाइल फ़ोन ही मिनी कंप्यूटर है, जो फंक्शंस एक बड़ा लैपटॉप कर सकता है आज छोटा फ़ोन भी करता है। तो उसको न चला सकें तो फिर आदमी जो कहेगा कि ट्रूली बैकवर्ड है। आप युवराज जी से किस तरीके की उम्मीद करती हैं? मेरा माँ के नाते आशीर्वाद है इस बदलते हुए युग में वो आगे बढ़ें। मेरे पूर्वज ने नहीं सोचा था कि इस तरह युग बदलेगा,
और मैं भी नहीं जान सकती हूँ या मैं इतना भविष्य नहीं लिख सकती हूँ कि आने वाले 40 साल में कितना और युग बदलेगा। शायद हम लोग मार्स में भी रहने लग जाएंगे, मंगल ग्रह में। तो इस बदलते हुए युग में मेरा बेटा और आगे बढ़ सके और एक कीर्तिमान स्थापित कर सके, यही एक माँ की आशीर्वाद हो सकता है। आपकी व्यक्तिगत क्या इच्छा है कि वो राजनीति में जाएं या सोशल वर्क में जाएं या फिर जो है व्यापार में जाएं? आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा खुश रहे और जहाँ उसको खुशी मिले वो कार्य करे। ये खाली राजपाट या बिजनेस या खेतीबाड़ी में मैं उसको बांधना नहीं चाहती हूँ। मैं तो वो कर ही रही हूँ, जो जिसमें उसको खुशी हो वो बच्चा करे। युवराज जी, आपकी क्या प्लानिंग है? आप राजकुमारी जी के कार्यों में हाथ बटाते हैं जी, समाज सेवा में जो इनके प्रकल्प हैं उसमें हाथ बटाते ही हैं। मैंने भी देखा है और लोग यहाँ पर जब मैं आया तो लोग बता भी रहे थे, लेकिन आपकी योजना क्या है, अपने खुद की योजना क्या है कि हमें इस तरीके से प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बना करके आगे करना है? अभी तो राजकुमारी जी के लिए मैं प्रचार करता हूँ, जब भी वो चाहें जनता के बीच जो भी मुझे काम करना होता है। हम लोग एक टीम है, तो मैं बिजनेस एस्पेक्ट अभी हैंडल कर रहा हूँ अपना। मैंने आईटी कंपनी खोला है, भारत में भी विदेश में भी। ओह गुड। तो मैं अभी इकोनॉमी का बढ़ा रहा हूँ, डॉलर्स कमा के वहाँ से यहाँ लाके। पर राजकुमारी जी ने मुझे हमेशा बढ़ावा दिया है, चाहे कुछ भी मैं करना चाहूँ, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसान बनना चाहूँ, चाहे मैं सोलर पैनल बनाना चाहूँ घर पे, वो मुझे हमेशा बढ़ावा दिया है। इसीलिए अगर मैं कह सकता हूँ कि मैं सफल हूँ कि किसी भी कार्य में, इन्हीं के बदौलत से हूँ, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और राजनीति का आप कह रहे हैं, तो अगर राजकुमारी जी कहें तो मैं तो अभी भी तैयार हूँ, पर अभी मैं थोड़ा बिजनेस में फोकस्ड हूँ। और राजकुमारी जी अभी राजनीतिक पद लिया हुआ है घर का, तो जब वो डिसाइड करेंगी तो हम भी आ जाएंगे। बीच में ऐसा भी हुआ, जब विधानसभा चुनाव आया तो ऐसी चर्चाएं थी दिल्ली से लेकर के प्रतापगढ़ तक कि आप चुनाव लड़ने वाले। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर मुझे पहले यहाँ आके बसना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं हूँ कि आऊँगा जाऊँगा। मुझे यहाँ पे रहना है, अगर सेवा करना है तो ठीक से करना है, अपनी टीम बनानी है, अपने लोग बनाने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, लोगों के बीच रहना है। काम तो आज भी आप कर रहे हैं। काम मैं आते जाते करता रहता हूँ, पर अगर राजनीति ज्वाइन करना होगा तो फिर मुझे यहाँ पे अपना जीवन लोगों के बीच रहना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। भुवनी जी, इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े राजभवन में रहते हैं, इतने बड़े राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, औरों में और अपने में कितना अंतर आप पाते हैं? अंतर तो बचपन से ही मैंने देखा कि है, और उसी दिन मैंने भगवान को शुक्रिया अदा की कि मुझे इतने महान परिवार में पैदा किया उन्होंने, और ऐसी मम्मी दी, ऐसे पूर्वज दिए, नाना दिए। मैं बहुत मतलब दूसरों को जितना मैं मदद कर सकूं, और अगर मेरे पास कुछ है और मैं दूसरे के पास नहीं है, अगर मेरे लिए वो ज़्यादा कीमती नहीं है तो मैं ज़रूर बांटना चाहूँगा, क्योंकि मैं भगवान ने मुझे ब्लेस किया है इस फैमिली में, तो जितना मैं लोगों के लिए कर सकूं वही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दैट इज माई मिशन। गुड। राजकुमारी जी, आपका जो अभियान है, आज भारत सरकार इस कार्य को आज कर रही है, लेकिन स्वच्छता अभियान, गंगा आरती, इस तरीके के प्रकल्प आप बहुत पहले से करती आ रही हैं। गंगा मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को साफ़ सुथरा देखना चाहती हूँ, ये घाट साफ़ सुथरा देखना चाहती हूँ। और शायद जब मैं घाट में गंदगी देखती हूँ तो मेरा बिल्कुल विराट और चंडी रूप निकलता है। मैं तो पब्लिक को रोज़ ही डांटती हूँ कि आप कोई अपने माँ के मुंह पे प्लास्टिक खोजता है। मैं यही प्रश्न करती हूँ कि आप अपनी माँ के मुँह पर प्लास्टिक खोजते हैं? नहीं कोचते हैं तो फिर आप गंगा के किनारे क्यों प्लास्टिक फेंकते हैं? युवराज जी, आप अवधि भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मैंने देखा आपको।
तो लोगों से बातचीत करते हुए आप अवधी में बात कर रहे थे और फ्रेंकली बात कर रहे थे। अब हम क्या बताए, हमरे ही तो जन हैं, उन्हीं से तो सब सीखे हैं हम। चाहे हमारे घर के अब स्टाफ को ले लें, सब हमारे प्रतापगढ़ के ही हैं। दिल्ली में भी जितने भी जन हैं सब प्रतापगढ़ के ही हैं। तो उनसे बोल बोल के तो हमका हिंदी और अंतर में तो मालूम है नहीं ना का भा। तू तो पढ़ाई दिल्ली में रह के इंटरनेशनल स्कूल में के लिए हुआ। पर सब जन घर पे जैसे आवत ही तो सब प्रतापगढ़ के ही तो हैं। अब उनके साथ कहाँ अंग्रेजी में बतियाई। दिक्कत ना हो। नहीं कोनो दिक्कत नहीं ना, हियाँ का बोली बोलो, हुआ हुआ का बोली बोलो, और कुछ सिखा दे वो कभी बोले। राजकुमारी जी का जब हाथ बटावा ना आप, हाँ, तो समाज के बीच में जब जाना, जैसे चुनाव प्रचार वगैरह होला जी, तब वहाँ पर मेरे नाना जी भी अवधी बहुत अच्छा बोलते थे। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और अवधी बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं, अरे तो बिल्कुल अपने नाना पे गा हैं, इनका देखा इनका अवधी तो इतना बढ़िया, जैसे गाँव के लड़कन है। अपनापन अपनी से आप जुड़े रहे तो बिल्कुल ऑफ कोर्स, मतलब लैंग्वेज तो बहुत ही आसान है, अवधी इतनी प्यारी भाषा है, बोलने में ही मजा आता है। और बंबई जाके तो हर टैक्सी ड्राइवर मेरे प्रतापगढ़ या आसपास के ही होता है, तो वहाँ पे तो हमेशा ही फ्रेश रहता है। तो आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ की है? मेरी शिक्षा देहरादून की हुई है, डून स्कूल में पढ़ा हूँ, और उसके बाद मेरे को मम्मी ने इंटरनेशनल स्कूल में डाला था, वो है ब्रिटिश स्कूल। और इंटरनेशनल स्कूल में मैंने काफ़ी मेरे को एक्सपोजर मिला कि दूसरे देश के लोग कैसे होते हैं, चाहे कोरिया के हों या यूके के हों, यूएस के हों, पूरे देश के लोग ही। राजदूतावास के बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके साथ पल भर के मेरे को काफ़ी सीखने को मिला दूसरों देशों के तो बारे में। उनसे सीखा क्या आपने, क्या देखा, भारत को कहाँ पाया और अन्य देशों को क्या कहाँ पर पाया? भारत सबसे बेस्ट देश है, हम सब में इतना संस्कार, इतना प्यार, इतनी तमीज़ और कहीं नहीं, मैंने ये नोटिस किया सबसे पहले। और मैं मतलब आपको कह सकूँ इतने देश घूम के आया हूँ, सातवें दिन पे मुझे मेरे घर वापस आना है, मैं टिक नहीं सकता बाहर, दाल चावल के बिना तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। डेवलपमेंट की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि हम बाहर भी कई देशों में गए हुए हैं, बच्चों के साथ रहे हुए हैं, आप यूएस को लें, न्यूयॉर्क का जो मेट्रो है, उनका जो मेट्रो ट्रेन है इतनी गंदी है हमारे मेट्रो से अगर आप कंपेयर किया जाए। हमारा मेट्रो तो इतना साफ, इतना नया, हमारे ट्रेन इतने साफ, हमारे प्लेन पे तो इतने अच्छे, आप देख रहे हैं कि सब जन आजकल प्लेन पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये सब हमारे देश में पॉसिबल किया गया है। धोनी जी जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि मेट्रो को ले लिया जाए या प्लेन को ले लिया जाए, लेकिन आज भी अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो गंदगी तो है। गंदगी तो है और उसमें तो हमें ही हाथ बटाना है, अगर धरती हमारी माँ है तो हमें ही तो कूड़ा नहीं फेंकना है, अकल हम लोगों को अपनी खोलनी है। अगर हम एक प्लास्टिक फेंकेंगे तो हमारा बेटा भी एक प्लास्टिक फेंकेगा, उसका दोस्त भी फेंकेगा, तो हमें जब तक मिल के शुरू नहीं करेंगे ये सफाई नहीं होगी। और बाहर भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कूड़ा है, बहुत वहाँ भी गंदगी है, पर लोग और अकलमंद हैं मैं कहता हूँ इस मामले में, और वो चाहते हैं कि वो कूड़ादान में कूड़ा फेंके। लेकिन यहाँ तो कूड़ादान ही नहीं, तो आदमी फेंकेगा कहाँ पे युवराज जी? शहर में इस बात की है ना? शहर में तो कूड़ादान है पर आदमी कूड़ादान के बाहर फेंकता है। और आप अगर आप अमेरिका को भी ले लें, वहाँ भी गांव है, ऐसा नहीं कि हर जगह शहर है, वहाँ भी गांव है, वहाँ भी पोल्यूशन है, वहाँ भी सड़क पे चीज़ें गिरी पड़ी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ है, बहुत देशों में सबको जागरूक होना होगा, हम सबको इंसानियत को जागरूक होना होगा कि हम अपनी धरती को क्यों नाश कर रहे हैं और पानी को, हवा को, जिससे हम जीते हैं वो सब नाश हो रहा है। आपका पूजा पाठ में मन लगता है? जी जी जी, आई थिंक 25 की उम्र के बाद ना अंदर से ही लगाव आने लग गया। 25 के पहले नहीं, बिल्कुल था, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, पर भगवान से लगाव और अटैचमेंट, फॉर्मेलिटी थी, वो बुलाने लग गए मुझे, वो बुलाने लग गए मुझे और ज़्यादा। तो हाँ बिल्कुल पूजा पाठ करते हैं अब तो, मंगलवार को आज था इसलिए आप थोड़ा लेट कर गया मैं आपके पास आने में, अभी हनुमान चालीसा भी बोलना है, सुंदरकांड भी है, तो रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। उससे क्या मिलता है?
हैप्पीनेस एंड गाइडेंस। आई फील कि अगर हम लोग रिलीजन में ये सब जो मंत्र हैं हजारों सालों से जपे जा रहे हैं, राइट, पर क्यों जप रहे हैं? फॉर इनर पीस, फॉर गाइडेंस। भगवान हमें रास्ता दिखाएं कि हमें अपनी जीवन कैसे जीनी है। और जब मैं जैसे पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मुझे लग रहा होता है कि जैसे ऊपर से गाइडेंस आ रही हो और आगे आज क्या करना है उसका मुझे उत्तर मिल जाता है। अंतरात्मा की आवाज आपकी जो कहती है वही करते हैं वो। आई एम टेलिंग यू, धीरे धीरे ही अब बढ़ रही है और जितना मैं और पूजा पाठ करता हूँ उतना बढ़ता है। ये सब कहाँ से आपको देखने और सीखने जानने को मिला? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो अपनी मम्मी से ही होती है हमेशा। मम्मी जो अपना परिवार, जो परिवार के लोग ही अपने बच्चे को डायरेक्शन में डालते हैं। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है तो। और मम्मी को मैं हमेशा देखता था कि उनका फेथ गॉड में इतना डीप है और वो रोज हवन करती हैं। लोगों को ये मालूम नहीं है मम्मा का इतना छोटा सा हवन है और वो रोज करती हैं अपने रूम में पूजा पाठ करके, और इतना मतलब घर बिल्कुल शुद्ध कर देती हैं। और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि ये पाठ और वो पाठ, आज ये वाला दिन है, वो वाला दिन है। तो फिर धीरे धीरे आदमी भी कहता है कि यार ये हो क्या रहा है, मैं क्यों नहीं हूँ इसमें, मैं क्यों नहीं जानता ये सब के बारे में। और जब आदमी सीखता है भगवान के बारे में, आप रामायण ले लें, महाभारत ले लें या भगवद गीता ले लें, भगवद गीता जो अगर आदमी पढ़ा नहीं है उसको पढ़ने की आई वुड से बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हर आदमी को गीता पढ़नी चाहिए क्योंकि वो इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है लाइफ का, एंड उसके जो टीचिंग्स हैं इतने प्योर हैं कि आदमी का अंदर से खुल जाता है दिमाग और डायरेक्शन मिलती है कि हाँ सबका जीवन आसान नहीं है, चाहे भगवान भी हों, चाहे महान रथ भी हों, चाहे राजा महाराजा भी हों, सबके जीवन में ऐसे ऐसे कर्म हैं जो उसको करके जाने। इतने आप आध्यात्मिक हैं मुझे नहीं ये जानकारी थी, आप तो काफी आध्यात्मिक हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सब भगवान की। गीता की अगर मूल की बात करें, आपने पढ़ाई पढ़ा? ऑफ कोर्स एंड द मेन थिंग जो गीता में है जो लोग नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो है ध्यान, मेडिटेशन आज के ज़माने में लोग कहते हैं। कि कोई मंत्र जपने की भी ज़रूरत नहीं है, पर बस शांति से बैठ के सांस लें, आंख बंद करें और ध्यान करें एक चीज़ पे, चाहे सांस भी हो चाहे भगवान भी हो, इतनी अच्छी गाइडेंस आती है ना ऊपर से, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी, मैं कहूँगा। चला हम प्रयास करा बेके जो ना। बिल्कुल करा, बिल्कुल। राजकुमारी जी, अगर आपकी दिनचर्या की बात करें, जो जैसे युवराज जी ने कहा कि मम्मी है सुबह ध्यान पूजा करती हैं, हवन करती हैं, तो ये कब से आप कर रही हैं और इससे कितनी शक्ति आपको मिलती है और इससे क्या लाभ समझ में आता है आपको? हमारा परिवार पहले से ही बहुत धार्मिक परिवार है। मैं कह सकती हूँ गर्व से कि मेरी माँ टिहरी गढ़वाल से थी और मेरे नाना, मामा और भाई बद्रीनाथ मंदिर हमारे बद्री विशाल के साक्षात रूप माने जाते हैं। मेरे ये इनको इनका टाइटल महाराज टिहरी का टाइटल बोल बद्री का है। तो मैं मेरे एक तरफ से तो विष्णु की भक्ति उधर से आती है, माँ की तरफ से। मेरी दादी भी विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उन्होंने अपना जीवन का आधा से ज़्यादा समय अयोध्या और वृंदावन में बिताया। तो हमारे पूरे घर में एक धार्मिक वातावरण था और उस धार्मिक वातावरण को मैंने भी और आगे बढ़ाया, और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे भी इसको आगे बढ़ाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुज़म को किसी एक किताब में बंधिश नहीं दे सकते हैं। आप जैसे चाहें, आप शिव जी की पूजा करें, आप विष्णु की पूजा करें, माँ की पूजा करें, और माँ की तो अनेकों रूप हैं। आप बगलामुखी एक तरफ है तो काली एक तरफ है, अन्नपूर्णा है सॉफ्टर फेस ऑफ माँ, दुर्गा है। तो माँ की तो
आप जैसी अपनी माँ से प्रार्थना करना चाहते हैं, माँ आपको हर तरह रास्ता दिखाती हैं। और यही हिंदुज़म की एक खूबी है कि आप जिस तरह से पूजा करना चाहें, आप हिंदुज़म में पूजा करना चाहें, आप घंटी बजा के दिया जलाना चाहें वो भी परमिटेड है, आप शांति से बैठ के खाली ध्यान करना चाहें उसके लिए भी जगह है। तो हिंदुज़म हमारे इस, मैं मानती हूँ कि हिंदुज़म की शुरुआत हिंदू कुश से ले के कन्याकुमारी और कामरूप से बहुत आगे तक जाती है। तो इसको जैसे भी चाहें हम लोग फॉलो करें और इसको एक धर्म का बंधन न दें। जो भी यहाँ रहता है इस मुल्क में, इस देश में, वो कोई ना कोई धर्म मानता है, और ख़ास तौर से हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इस पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी ज़रूर। कुछ विदेशी मित्र आए थे और उन्होंने एक बहुत अहम बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो बच्चा जैसे ही चलने लगता है वो माँ बाप को पूजा देख के वो शुरू कर देता है, हमारे यहाँ तो यंग बच्चे तो चर्च जाते नहीं हैं, और ख़ास तौर से 12-13 की उम्र में तो बिल्कुल धर्म से दूर हो जाते हैं। फिर बुढ़ापे में जब बहुत धक्के खाते हैं तब धर्म के प्रति जाते हैं। हमारे यहाँ से तो बचपन से वो बच्चा धर्म के प्रति जाता है, और आज आप देखें इतनी दुर्गा पंडाल या गणपति के जो फेस्टिवल्स हैं क्यों इतनी ज़्यादा जागरूक हैं। यूथ ही तो है जो धर्म के प्रति एक बड़ी बड़ी ओर जा रहा है। रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना, जी जी, यहाँ की इस राजघराने की बहू, जी, मैं जी, उस बात को जानना चाहूँगा। कम्युनिज्म एक बहुत बड़ा कल्ट बन के 1930 में इस मुल्क में बढ़ा, और यहाँ भी कई लोग कम्युनिस्ट हुए, ख़ास तौर से वो लोग जो हर तरह से सक्षम थे या विदेश में पढ़ के आए। तो जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया अलग हुई तो मैं कम्युनिज़म ने रशिया में बड़े डीप रूट्स लिए, और रशियंस चाहते थे कि इंडियंस जो कम्युनिस्ट व्यू के हैं उनको वापस रशिया ले जाया जाए, उनको वहाँ रखा जाए, उनको बूस्ट किया जाए। फिर जब वो वापस इस मुल्क में आए तो कम्युनिज़म को और बढ़ाए। तो उसी पे मेरे पूर्वज, मेरे ग्रैंड चाचा बाबा जिसको कहते हैं, वो रशिया गए, और रशिया ब्रिजेश सिंह लाल कुंवर ब्रिजेश सिंह, कुंवर ब्रिजेश सिंह रशिया के आमंत्रण में कम्युनिज़म के कारण वो वहाँ गए और कई साल रहे, करीब 7-8 साल आते जाते रहे भारत से, और रशियन गवर्नमेंट ने उनको बहुत इनकरेज किया, बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने स्टालिन से मुलाकात की और उनकी बेटी स्वेतलाना से मुलाकात हुई, और वहाँ उनका प्रेम बढ़ा स्वेतलाना और कुंवर ब्रिजेश सिंह का। और क्योंकि उनकी एक हिंदुस्तानी वाइफ थी जिनसे उन्होंने डाइवोर्स नहीं किया था, तो इसीलिए वो फॉर्मल शादी तो नहीं कर पाए, पर उनके साथ बहुत ही नज़दीकियाँ थी, और वो वहीं पे रशिया में उनकी डेथ हो गई थी मेरे चाचा की। उसके बाद उनकी एशेस को लेके स्वेतलाना यहाँ आई और यहाँ इस राजमहल में कई महीने रही हैं। उन्हीं के नाम से कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह भी उन्होंने बनवाया था? हाँ, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया था जहाँ पे अब, क्योंकि वहाँ पे वो चल रहा है, एक स्कूल चलता है उसी बिल्डिंग में। इस मुद्दे को लेकर के अगर बात करें तो उस पीरियड में राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से अमेरिका, रूस और भारत में तनाव भी देखने को मिला था। जी, बहुत बड़ा तनाव था।
वो वापस जाना नहीं चाहती थी स्वेटलाना रशा, क्योंकि स्टालिन के अंदर के नीचे वो तो बिल्कुल राजकुमारी की तरह रही, और फिर नई स्टालिन के न रहने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने तो उनके लिए बहुत कुछ किया था, पर कम्युनिज्म के अंदर रशा उन ज़मानों में बहुत कठिन दौर से गुज़र रहा था, उनकी जनता बहुत कठिन दौर से गुज़र रही थी, तो वो वापस जाना नहीं चाहती थी, वो यहाँ रहना चाहती थी या अमेरिका जाना चाहती थी। तो भारत ने यहाँ से उनको अमेरिका जाने की व्यवस्था की? नहीं, भारत ने नहीं की, वो यहाँ से वो दिल्ली से रशियन राजदूत के यहाँ रुकी हुई थी उनके हॉस्टल में, और एक दिन वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली और सीधा अमेरिकन राजदूत के घर चली गई। कहा उन्होंने कि मैं जा रही हूँ हमारे घर दिल्ली, और वहाँ से टैक्सी में बैठ के अमेरिकन राजदूत के घर चली गई, और वहाँ से हम लोग के मतलब जानने से पहले वो अमेरिका निकल गई, क्योंकि हमारे घर में एक शादी थी, तो हमने भी हम हर मेहमान को देख नहीं रहे थे, कहीं गई होंगी शॉपिंग वॉपिंग, हमको क्या पता कि हमारे घर नहीं आके वो अमेरिकन राजदूत के यहाँ से गई, और अमेरिका ने जो पहली फ्लाइट थी उनको बाहर कर दिया। ऐसा भी था कि जो रूस के लोग, सोवियत संघ के जो लोग रहने वाले थे, उसको अमेरिका उस समय शरण भी दे रहा था। जी जी जी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा सोवियत संघ का मानना है कि भारत ने ही उनको अमेरिका भेजा। नहीं, इतना मैं मतलब, क्योंकि मैं तो छोटी थी पर समझ थी, क्यों तो मुझे अच्छी तरह पता है कि रशियन एम्बेसी से तो यही बता के गई कि हम इनके घर जा रहे हैं, हमारे घर में शादी थी, तो हम तो हर मेहमान को, और इतना फ़ोन का मोबिलिटी नहीं थी कि आप तुरंत मोबाइल में कहा कि चेक रखें, तो हमने भी नहीं सोचा, हमने सोचा कहीं निकल गई है, मेरे फादर ने सोचा कहीं शॉपिंग वॉपिंग गई होंगी, पर वो उन्होंने अपने मन में प्लान किया था कि मैं ये बहाना लेके, और उनको अच्छी तरह पता था हमारे घर में शादी है, तो वो वहीं से सीधा टैक्सी बदल के अमेरिकन राजदूत के घर पहुंच गई। आप एक राजकुमारी के साथ साथ एक महारानी भी हैं। जी जी। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की आप राजकुमारी हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ की आप महारानी हैं। जी। तो राजकुमारी की भूमिका और महारानी की भूमिका, इन दोनों भूमिकाओं की अगर हम बात करें तो अपने भूमिका को आप कहाँ पाती? यहाँ तो मैं मुझे सबसे पहले तो अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए कि लड़की को उन्होंने यहाँ एक विरासत, इतनी बड़ी विरासत दी, जिसको मैंने जिंदगी भर निभाने का पूरा प्रयास किया है। मेरी शादी सिसोदिया कुल में हुई है, जिस कुल के सबसे प्रसिद्ध राज महाराणा प्रताप हैं, तो मैं उस कुल की बहू हूँ, और मेरा प्रयास रहता है कि जो एक सिसोदिया बहू को करना चाहिए वो पूरे कार्य करूँ, और उसको मैं ज़रूर दोनों फेजेस को, यूपी में भी यूपी की तरह रहती हूँ, राजस्थान में राजस्थान की तरह रहती हूँ, और दोनों कुल में एक समन्वय लाती हूँ। राजकुमारी जी, राजभवन का जब नाम आता है तो लोगों के जहन में आता है कि कोई राजभवन होगा जिसमें राजा होंगे और उनकी हुकूमत होगी। आज भारत देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन लोगों के जहन में अभी पुरानी बातें कहीं ना कहीं छाप होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो उन सोचते हैं वो उनमें और हकीकत में क्या है, उसको आप ही बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम राजा नहीं हैं, हमारे ठाकुर जी राजा हैं, और गंगा माई हमारी रानी हैं, और इस काला कांकर में हम ठाकुर जी के राज्य में रहते हैं और गंगा माँ के आशीर्वाद से रहते हैं, यही हमारे लिए माँ बाप हैं, यही राजा रानी हैं, और
हम तो सेवक के रूप में इस राजभवन में इसकी सुरक्षा, इन दोनों की सुरक्षा और इनके यश कीर्ति बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। इसके अलावा जो घाट है, काला काकर घाट है, इसकी साफ सफाई और इसके स्वच्छता अभियान को लेकर के इस घाट की क्या विशेषता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं? हमारा काला कांकर घाट एक साफ सुथरा घाट है, मोटर कार से बहुत ही एक्सेसिबल है। हम जो लोग गाड़ी से आते हैं बिल्कुल गंगा के किनारे आ जाते हैं, गाड़ी पार्क करके आके स्नान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं, ऊपर भी नल का पीने का पानी है, हैंड पाइप है, तो जन लोग कई जिलों से आके यहाँ काला कांकर घाट में नहाने आते हैं और हम उनकी सुरक्षा और हर तरह से उनका सहयोग करते हैं। अगर प्रतापगढ़ की जनता एक बार मौका आपको देती है सेवा करने का, तो आपकी क्या योजना है, किस तरीके से आप, ऐसा क्या रह गया कि आपको लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो ये चीज़ मुझे करनी है? सबसे पहले तो मैं अपने प्रतापगढ़ परिवार और ख़ास करके नव युवकों को कुछ ऐसा करना दे करके जाना चाहती हूँ कि उनको रोज़गार मिले। आज प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा रोज़गार हमको बाहर मिलता है, प्रतापगढ़ में रह के नहीं मिल पाता है। हर परिवार से एक दो लोग बाहर, बम्बई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं ना कहीं बाहर जाके काम करते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं यहीं पे सबको रोज़गार दूँ। प्रतापगढ़ में सबसे पहली फैक्ट्री ATS शायद? जी, वो मेरे पिताजी ने लेके आए थे, पर जब लखनऊ में और सरकारें आई, गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो उस फैक्ट्री को उन्होंने कुछ उद्योगपति के हाथ भेज दिया, जिन्होंने फैक्ट्री चलाई नहीं, उसको बिल्कुल वैंडलाइज करके सारे मशीन निकाल के खोखला छोड़ के चल दिए और हजारों लोगों की नौकरी भी चली गई। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मम्मी ने अपनी तरफ से जॉब्स लाने के लिए बहुत कुछ किया है जो लोग देखते नहीं हैं, जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मम्मी ने जितनी भी, अगर यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उससे लोगों को कितने आप सोचिए जॉब्स मिले होंगे, चाहे टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, या मेन पीपल डूइंग द क्लीनिंग वर्क ऑल्सो। बट इसके अलावा अभी मम्मी ने इतने सारे बैंक के ब्रांचेस खुलवाए थे, उससे कितना लोगों को जॉब्स मिला। उसके अलावा जो जिनका ज़मीन है उनको कमाई मिली। उसके अलावा मॉम ने यहाँ पे हाईवेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, MP का काम क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चीज़ें लाएं, तो ये हाईवेज लाएं, ये 3,000 से ऊपर गांवों में बिजली पहुँचवाई है विद्युतीकरण के। और ये नहीं कहती, मैं जानता हूँ कि ये कितना हेल्प करती है, चाहे जॉब्स हों, जितना ये कर सकती हैं वो कर सकती हैं। अब मम्मी खुद तो फैक्ट्री चलाएंगी नहीं ना, तो मम्मी यही करती हैं जो वो खुद अपने काबू में रख सकें, या तो अगर सरकार ला रहा हो। पर इन्होंने अपना जी और जान, अपना जीवन प्रतापगढ़ के लिए समर्पित किया है। जैसे अगर मैं इनका बेटा हूँ ना, तो प्रतापगढ़ का हर लड़का इनका बेटा है और ये सबको बढ़ावा देती हैं, और वो मैंने हमेशा देखा है। तो ऐसी सोच आपकी है, बहुत काबिल तारीफ़ है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। और आपको भी निकलना है भुवन जी? नहीं, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू राजकुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने इतना समय दिया।